क्या बिहार की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए अब भगवान को अवतार लेना पड़ेगा? यह सवाल इसलिए कि बिहार के आलाधिकारी, पुलिस आलाधिकारी तो यही मानते हैं। मामला था एक मां की बेबसी का, जो अपनी बेटी के लिए मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन खाकी वर्दी को तरस नहीं आया। इसको बोलने में तो जरा भी हिचक नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं। इसको बोलने में तो जरा भी हिचक नहीं है। बिहार के डीजीपी अभयानंद ये बात ऐसी मां को सुना रहे हैं जो अपनी बेटी को जिंदा या मुर्दा पाने के लिए सालों से पुलिस की चौखट पर एड़ियां घिस रही हैं। यही नहीं, डीजीपी ने पीड़ित परिवार को चुप रहने और ज्यादा बहस नहीं करने की नसीहत भी दी। हर बार पुलिस ये बोलता रहती चाहिए आपकी बेटी मौज मस्ती करती होगी। एक लड़की के प्रति इतना बेतुकी ध्यान कोई देता है? कोई पुलिस वाला प्रभारी दिया है, थाना का प्रभारी, मम्मी पापा बार बार थाना जाते रहे, पापा का मानसिक हालत इसी के तरह। पुलिस के चलते ही मेरे पापा इतना थाना में क्या बोला जाता था? बोला जाता था कि जाइए आपकी बेटी आ जाएगी, हम खोज कर लाएंगे। आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं? आपकी बेटी मौज मस्ती कर रही होगी, ये कोई तरीका हुआ बात करने का? बोले कि हम नहीं पीटेंगे, बात तो रहे कि हम भगवान हैं, भगवान नहीं है कि उसका खोजेंगे डेड बॉडी की, कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। ठीक है, फांसी लगाए तो उसका बॉडी तो होना चाहिए ना। प्रभारी बोल रहा है कि आप समझ लीजिए कि आपकी बेटी दुनिया में नहीं रह रही, लेकिन कुछ सबूत नहीं दिया तो आखिर मेरी बेटी गई कहाँ? दीदी साहब क्या बोल रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं कि हम कोई भगवान है, हम कोई भगवान है, जाइए जो करना है कर लीजिए। क्या कोई तरीका है बात करने का? डीजीपी का मामला आरा के उत्पंत नगर थाने का है। आरोप है कि लड़की को उसके प्रेमी ने फोन कर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर लाश को गायब कर दिया, लेकिन पुलिस अब तक उसकी लाश को बरामद नहीं कर पाई। मेरी लड़की जिंदा या मर गई ये कुछ पता नहीं है, हमारी लड़की जिंदा या मुर्दा चाहिए। सर्वशक्तिमान नहीं, इसको बोलने में तो जरा भी हिचक नहीं है। सर्वशक्तिमान नहीं, इसको बोलने में तो जरा भी हिचक नहीं है। तो क्या बिहार के सुशासन को दुरुस्त करने के लिए अब साक्षात भगवान को ही धरती पर आना पड़ेगा? समय के लिए पटना से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।